ये देखो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और ये पीछे वाले में देखो तो घूमने आओ। तो यहाँ पे आप अपना आके घूमो फिरो, शॉपिंग भी करो जो कुछ मन करे। बढ़िया बना हुआ है। इसके बाद का नेक्स्ट प्लान जो आएगी नेक्स्ट वीडियो, जो चीज़ है ना, यहाँ से पानी नीचे आता है और ये पूरा ये देखो तो स्ट्रीम लाइन बनी हुई, पूरे इसमें पानी यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, जय श्री राम। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। तो अभी आप लोग सामने देख सकते हो मैं कहाँ पे आया हुआ हूँ। मैं आया हुआ हूँ लाल किला पे। अभी मैं अभी अपना फेस इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ यार, क्योंकि पता है यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को अपने फेस के पास रख के बोलना पड़ रहा है। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ भाई, ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे को क्या है ना, कैमरा को पीछे करके रखने की ज़रूरत पड़ी। बाकी आप लोग देख लो, अभी कैमरा को टर्न करते हैं और आप लोगों को लाल किला दिखाते हैं क्या कैसे। ये देखो लड़ाई हो गई भाई यहाँ पे। तो ये है भाई लाल किला, पता करते हैं कहाँ से हो रही है इसमें एंट्री। तो अभी अंदर पहुँच के आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ, टिकट के क्या प्राइसेस है वो सब आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए अंदर ही डायरेक्ट मिलते हैं आपसे। तो यार फाइनली टिकट विकट लेके आ गए हैं। 40 रुपये का टिकट पड़ा है एक आदमी का, और ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो शायद 35 रुपये पड़ता है। आप लोगों को मैं अभी स्क्रीनशॉट हो सकेगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, अगर ध्यान रहा तो, अगर एडिटिंग के समय टाइम। और ये देखो लाइन यार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लगी हुई है। और ये यहाँ से अभी एंट्री कर रहे हैं लाल किला के अंदर। ज़्यादा लंबी बड़ी, अरे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा, मतलब कोशिश करेंगे छोटी से छोटी वीडियो रहे। ये देखो भाई बढ़िया बना हुआ है। इसके बाद का नेक्स्ट प्लान जो आएगी नेक्स्ट वीडियो, वो शायद इंडिया गेट के ऊपर मैं बनाऊंगा। ये रही इसकी एंट्रेंस। और यहाँ पे भाई शॉप्स कितनी सारी लगी हुई हैं। यहाँ पे शॉप्स ही शॉप्स हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ मिल रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कुछ है। बढ़िया अगर आप टूरिस्ट हो घूमने आओ तो यहाँ पे आप अपना आके घूमो फिरो, शॉपिंग भी करो जो कुछ मन करे। भाई यहाँ पे पता नहीं, मेरे को इतनी पता नहीं कि ये सब लेके अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं, क्योंकि बैग वैग तो यार मेरा जमा ही करा लिया उन लोगों ने। अब ये लोग यहाँ पे लेके जाएंगे तो अंदर शॉप पे तो क्या पता होता हुआ ऐसा। ज्वेलरी की शॉप्स हैं, मूर्तियों की शॉप्स हैं। वीडियो को यार लाइक कर देना यार भाई, नीचे लाइक का देखो बटन आ रहा होगा थम्स अप का, लाइक कर देना। और यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यार आपके एक सब्सक्राइब से मुझको बहुत सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए भाई मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और हाँ, मैं रेगुलरली भाई शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डालता रहता हूँ, तो आप ज़रूर उसको देखिए, उसको देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स और बहुत ही कुछ कुछ फैक्ट्स मैं काफ़ी मज़ेदार बताता हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लो, आपको ज़रूर अच्छे अच्छे शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे।
देखो मैं आपको यहाँ से सीधे जो है दिखाते हुए चलता हूँ। ये है छत्ता चौक, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके भाई आप लोग पढ़ लीजिएगा। यार है ये बहुत बड़ा लाल किला, और कहीं वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। चलो कोई नहीं, आप लोगों को फिर भी जो है सब कुछ दिखाते हुए चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे आगे क्या क्या चीज़ है। नौबत खाना, दीवान आम, संग्रहालय। संग्रहालय यार म्यूज़ियम में जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यार म्यूज़ियम में कैमरा वैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। तो फिर मैं वहाँ पे म्यूज़ियम्स में मतलब ऐसे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल जनरल नॉलेज के लिए जाता हूँ। आप लोग के लिए यार भाई नहीं देना पाता हूँ वीडियो, क्योंकि मजबूरी है। ऐसा करता हूँ मैं डायरेक्टली ये चीज़ पूरा स्किप करके मैं आपको डायरेक्टली उधर आगे तरफ मिलता हूँ, जो वहाँ पे अंदर रेड रेड दिख रहा है ना, वहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली जाके मिलता हूँ, क्योंकि इधर से पूरा चलते हुए जाके आप लोग देख देख के परेशान हो जाओगे और बोर हो जाओगे। तो डायरेक्टली आपसे वहीं पर मिलते हैं। तो भाई देखो इस जगह आ गया हूँ। अगर ये आप लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा जब मैं वहाँ गया था आगरा, जब आगरा गए थे तब आप लोगों ने ध्यान मतलब पता नहीं मैंने शायद स्टोरी डाली थी कि नहीं डाली थी, तो वहाँ पे मैंने एकदम सेम दीवान आम ऐसे वहाँ पे भी है, तो मैंने उसकी भी जो है फ़ोटो खींची थी वहाँ पे। अगर मेरे पास अभी वो होगी तो मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पे। जाहिर सी बात है वो कलर वहाँ का ऐसा नहीं था। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को बाकी। और देखो वो वहाँ पे ऊपर आसन बना हुआ है, आप लोगों को मैं पूरा दिखाता हूँ। यार वो भी काफ़ी अच्छा तरीके से सजा हुआ है। अगर देखता हूँ मैं, अगर उसके पास जा पाता हूँ तो मैं आप लोगों को एक उसका क्लोज लुक देता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी तरीके की चीज़ें बनाई गई हैं। दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और ये पीछे वाले में देखो, पीछे पूरा हर जगह बनाई हुआ है। तो ऐसे यार अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखने में मज़ा आता है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने में मज़ा आती है। नहीं तो ऐसे यार रोज़ क्या मॉल देखने जाएं, क्या दिखाएं। अब आप में से काफ़ी लोग नहीं आए होंगे तो मैंने अब मेरे द्वारा आप लोग देख पाओगे इस चीज़ को। अभी देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे मिलता है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि यार ये है बहुत बड़ा और लोग भी बहुत हैं यहाँ पे, घूम रहे हैं सब, मज़े कर रहे हैं। हम भी चलिए घूमते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यार ये है नहर ए विशिष्ट, ये पूरे फाउंटेन्स यहाँ पे हैं। उधर आगे जाके देखो ये पूरा पॉन्ड जैसा बना के रखा है इन लोगों ने। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को एक बार, देखो यहाँ पे पानी होता था पर अभी है नहीं। ये देखो ये पूरे एरिया में पानी भरा रहता था और यहाँ पे फाउंटेन चलता था इस जगह को। और ये देखो इसके अंदर एंट्री नहीं है तो मैं इसको आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ। एक बार वहाँ पे चलते हैं उस जगह पे और वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और बाकी इसके बारे में जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं मैं ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग उसको पॉज करके पढ़ पाओ। रंग महल है ये, ये चीज़ जो है ये रंग महल है। और एक रंग महल उस तरफ पीछे की तरफ भी था लेकिन उसमें कुछ था नहीं दिखाने लायक, तो मैंने आप लोगों को वो चीज़ नहीं दिखाई।
यहाँ पे वो नहर आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने स्टार्ट करी थी वीडियो, तो मैंने कहा आप लोगों को ये चीज़ भी जो है मैं दिखा देता हूँ। और बाकी ये देखो ये चीज़ें जो दिख रही है ना, यहाँ पे भी पानी रहता था, ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पे पानी रहता था, ये यहाँ से अंदर पानी जाके पूरा उसमें ये एरिया को कवर करता था पानी, बीचों बीच में पानी रहता था। देखो वहाँ पे इस जगह पे ये यहाँ से पूरा ये जो गई है ना लाइन, यहाँ पे पूरे में पानी रहता था। इसमें पूरा ख़राब हो गया इसके मार्बल्स। और ये आ गया है खास महल, ये जो चीज़ है इसका नाम है खास महल। अभी इसके बारे में भी जो क्या है इन्फॉर्मेशन ये भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। और शायद यहाँ पे यही दो चार, मतलब शायद यही सब चीज़ें थी यहाँ पे। इसको आप लोग प्लीज़ पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और यार यहाँ पे काफ़ी अच्छी कारीगरी करी गई है, अंदर एंट्री नहीं है, नहीं मैं आप लोगों को ज़रूर, हाँ ये साइड वाले पेजर्स में जो जैसा है वो सब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। ये देखो भाई ये छत है कितना बढ़िया, पूरा शायद इसे पूरा मार्बल का इसमें काम हुआ रखा है। ये देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनका आसन नहीं बना हुआ है बैठने वाला, यहाँ पे बैठते थे जो राजा थे यहाँ के। यहाँ पे सब कुछ भाई देखो, ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं था, बस यही यही था जो जो चीज़ें थी मैंने सब आप लोगों को दिखाई। और आजा भाई ओए हमाम, अरे आ तो जा, हमें जल्दी कर, अबे दादा का फील उठा ले, अरे मेरे दादा ने लिखा। और ये जो है, ये जो चीज़ बनी हुई है ये है मोती मस्जिद, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, पॉज करके आप लोग ज़रूर उसको पढ़िएगा। अब वो देखो भाई, वो देखो वहाँ पे भी कुछ है, वहाँ पे भी चलता हूँ मैं भी आपको दिखाता हूँ। भाई ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ बैठने वाली ही चीज़ें बनी हुई हैं, यही सब पूरे इसमें पूरे एरिया में इधर में पूरे में यही सब बना हुआ है। देखो जैसे ये कि यहाँ बीच में बना हुआ है ना, और यहाँ पे ये देखो बीचों बीच में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हयात बख्श, हयात बख्श है ये कोई चीज़, हाँ अच्छा जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं इसका नाम हयात बख्श है। ये जो चीज़ है पूरी देखो चार तरफ से ये ऐसे बना हुआ है ना, इसमें पानी रहता होगा। तो यार ये वाली वीडियो में मेरे को लगता है बस इतना ही रहेगा, अगर कोई चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग दिखती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को जो है दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी। ये पर वो वाली जगह पे चल के देखते हैं, उसके बाद अगर कुछ मिलेगा तो दिखा दूंगा, नहीं तो वहीं पे वीडियो जो है एंड कर देंगे। तो यार ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था इसके बारे में, यार कहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि ये क्या चीज़ है, नहीं तो मैं आपको डेफिनेटली इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन देता। और ये भी बंद पड़ा है, ठीक है। और बाकी आपको देखो एक चीज़ और बताता हूँ, देखो ये जो चीज़ है ना, यहाँ से पानी नीचे आता है और ये पूरा, ये देखो ये पूरा स्ट्रीम लाइन बनी हुई है, पूरे इसमें पानी यहाँ से यहाँ तक पूरा जाता है।
तो अभी चलते हैं आगे, और अगर कुछ अगर होगा तो दिखाते हैं, नहीं तो वाली वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। तो यार ये वाली वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो कुछ भी था मैंने सब आप लोगों को दिखा दिया है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।